अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम 2021 दे रहे हैं उनके लिए बड़ा अहम जो ट्वीट है वो किया गया है। इस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है, क्या पैगाम दिया गया है उन स्टूडेंट्स को जो कि 2021 के इम्तहान दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो बहुत अहम ट्वीट आपसे शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा जो दूसरी अहम जो बात है इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा वो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट की बुनियाद पर कैसे कंपलसरी सब्जेक्ट के नंबर दिए जाएंगे। एक फार्मूला जो है वो बना लिया गया है, उसका स्क्रीनशॉट भी आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। मजीद तफसीलात भी आपको उसके बारे में बताऊंगा कि किस बेस पर, किस बुनियाद पर आपको जो नंबर हैं वो मिलेंगे इलेक्टिव सब्जेक्ट की बुनियाद पर कंपल्सरी सब्जेक्ट के। तो बहुत अहम वीडियो होने वाली है, तो वीडियो कम्प्लीट देखनी है आपने। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो बेल आइकन है आपने ऑल पे प्रेस करनी है ताकि एजुकेशन से रिलेटेड रियल लेटेस्ट अपडेट्स आप तक हर वक्त पहुंचती रहें, और लाइक जरूर करना है आपने अगर वीडियो से आपको फ़ायदा हो। तो मैं आपको बताता चलूँ कि वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से अहम ट्वीट किया गया है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि 2021 के इम्तहान दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने खसूसी जो है अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया है उस ट्वीट के अंदर। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत अहम बात की गई है उनकी जानिब से इस ट्वीट के अंदर, जिसमें उन्होंने ये वाज़े तौर पे लिखा है कि इट हैज़ नॉट बीन इजी बट यू विल कम आउट ऑफ दिस एक्सपीरियंस एज विनर्स। तो ये उनकी जानिब से उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए पैगाम दिया गया है जो कि इम्तहान दे रहे हैं या देने वाले हैं कि ये आसान नहीं रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप फातिहा की हैसियत से इस सूरत हाल से निकलेंगे। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि जो उनकी जानिब से खसूसी नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस वक्त एग्जाम्स दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो ये अहम जो ट्वीट है उनकी जानिब से किया गया है, इसका स्क्रीनशॉट भी आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आपको नंबर्स दिए जाएंगे एग्जाम्स में इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बुनियाद पर, आपके जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। तो उनके लिए एक फार्मूला जो है वो बना लिया गया है, उसको फाइनलाइज जो है वो किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल ये फॉर्मूला हमें मौसूल हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट आपको वीडियो में मिल जाएगा। इसी के मुताबिक आपके जो नंबर्स हैं, जो मार्क्स हैं वो लगाए जाएंगे। आप जो इलेक्टिव सब्जेक्ट के पेपर्स देंगे उनमें जो आपके मार्क्स आएंगे तो इस फॉर्मूले की बेस पर, बुनियाद पर आपके जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उसके नंबर जो हैं वो लगा दिए जाएंगे। ये फार्मूला भी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। मजीद इस बारे में कोई अहम अपडेट आती है तो आपसे जरूर शेयर करूंगा कि कितने परसेंट नंबर लगाए जाएंगे या किस हिसाब से नंबर जो हैं वो दिए जाएंगे, सारी तफसीलात आपसे शेयर कर दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने वीडियो को जो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि उनको भी अहम बातें जो हैं वो पता लग सके। मज़ीद कोई अहम अपडेट आती है इम्तहानात के हवाले से, वेकेशंस के हवाले से, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना आपने। अल्लाह हाफिज़।